नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के 3 अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7। आपने पिछले वीडियो में बच्चों देखा था कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसमें कितने अध्याय है, 7 अध्याय है। कितने अध्याय है? 7 अध्याय है। 7 अध्यायों की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहले अध्याय में परिभाषाएं हैं, इसका संक्षिप्त नाम दिया हुआ है। दूसरे अध्याय में निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार है। तीसरे में समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। और चौथे में शिक्षकों और विद्यालयों के दायित्वों के बारे में चर्चा की गई है। तो आपने देखा 4, पांचवे में है आपका पाठ्यक्रम, छठे में है संरक्षण और सातवे में है प्रकीर्ण। तो 7 अध्याय है आरटी अधिनियम में। पहला परिभाषा, दूसरा निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार, तीसरा समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, चौथे में है शिक्षकों और विद्यालयों के दायित्वों के बारे में उल्लेख किया गया है, पांचवे अध्याय में पाठ्यक्रम का उल्लेख है, छठे में संरक्षण के बारे में बात करी गई है और सातवें अध्याय में प्रकीर्ण दिया हुआ है। ये जो आपका परिभाषा वाला है इसमें 2 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं। निशुल्क एवं बाल शिक्षा के अधिकार में 3 धाराएं हैं, इसमें आपकी 6 धाराएं हैं और 12 से लेकर 28 तक आपके उल्लेख इसका है। चौथे अध्याय में धारा 12 से लेकर 28 तक उल्लेख है और सबसे बड़ा जो अध्याय माना जाता है वो भी यही अध्याय माना जाता है। अब बात आती है बच्चों किसकी, अध्याय 5 की। अध्याय 5 बच्चों चर्चा करता है पाठ्यक्रम की। किसकी चर्चा करता है? पाठ्यक्रम की। आपने बच्चों पढ़ा होगा एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो फ्रेमवर्क आया 2005 में, उस फ्रेमवर्क में साफ कहा गया कि बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उसको सह शैक्षणिक क्रियाएं भी करवाई जानी चाहिए। उसको जो शिक्षा दी जा रही है उसको वास्तविक जीवन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यही बात आरटी अधिनियम में आपको देखने को मिलती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की जो बातें थी वो आपको आरटी अधिनियम में देखने को मिलती है। तो आरटी अधिनियम का जो अध्याय 5 है उसमें 2 धाराएं हैं, 29 और 30। आपकी जो 29 नंबर की धारा है वो ये कह रही है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम वहां की समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए। और पाठ्यक्रम बनाया कैसे जाएगा, उसमें सीखने के अवसर बच्चे को, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को सीखने का अवसर उपलब्ध हो सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, उसका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास हो सके, ऐसी शिक्षा बच्चे को अवेलेबल हो, इसके लिए पाठ्यक्रम का अच्छा होना जरूरी है। पाठ्यक्रम में लचीला होना भी आवश्यक है। इसके अलावा इसने कहा ABL पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे को क्रिएटिविटी करवा करके उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाए, कि बच्चे को करके सीखने पर ज्यादा बल दिया जाए और पाठ्यक्रम का निर्माण भी ऐसा किया जाए कि बच्चे को समस्या दी जाए उसका समाधान करने का अवसर दिया जाए ताकि बच्चा अच्छा अधिगम कर सके। इसलिए आरटी अधिनियम में साफ कहा गया बच्चों कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समुचित सरकार द्वारा इस प्रकार बनाया जाना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम में सीखने के अवसर उपलब्ध हो सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, गतिविधि आधारित लर्निंग दी जा सके और बच्चे का CCE सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में दोनों तरह के मूल्यांकन होते हैं बच्चों, एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन के तहत जो पाठ्यक्रम उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। ये आपका आरटी अधिनियम 2009 की धारा 29 में ये बात कही गई है। अब बात आती है बच्चों धारा 30।
धारा 30 में कहा गया है कि बच्चे को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक प्रारंभिक शिक्षा का प्रमाण पत्र उस स्कूल के द्वारा दिया जाना चाहिए और उस बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा करवाना कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि 8th क्लास में बोर्ड पास करने के बाद ही उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने 5वीं और 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं का क्या किया था बोर्ड परीक्षा का प्रावधान किया था। लेकिन हमारा आरटी अधिनियम ये कहता है कि कोई भी सरकार जो है इसके लिए बाध्य नहीं कर सकती कि आपको बोर्ड परीक्षा देनी पड़ेगी। आरटी अधिनियम की धारा 30 ये कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आती है आपके अध्याय 5 में। अब बात करते हैं बच्चों अध्याय 6 की। अध्याय 6 में क्या है? अध्याय 6 में संरक्षण के बारे में बात कही गई है कि बालकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए बच्चों। तो इसके लिए ध्यान रखना अध्याय 6 में 4 धाराएं हैं। कितनी है? 4। पहली 31, 32, 33 और 34। अब धारा 31 में क्या है? धारा 31 में आप सबको पता होगा बच्चों बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया। क्या आया था? बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग आया। इस बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो कि 2005 में आया था उसकी धारा 3 में और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की धारा 17 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उल्लेख है और उसमें साफ कहा हुआ है कि क्या होना चाहिए, बच्चे को निशुल्क और बाल अधिकारों की जांच होनी चाहिए और उसकी सिफारिश की बात कही गई है। तो क्या है धारा 31 में? धारा 31 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत बच्चों को निशुल्क एवं बाल अधिकारों के परिवादों की जांच करना और उनकी सिफारिश करना को शामिल किया जाता है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 3 में इस बात का उल्लेख है कि एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया जाएगा और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा, उसके द्वारा परिवादों की जांच की जाएगी कि बच्चे को निशुल्क और बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करने में किसी प्रकार की कोई रुकावट तो नहीं आ रही है। ठीक है, अब आती है बच्चों धारा 32। धारा 32 क्या कहती है कि अगर बालक को किसी भी प्रकार का कोई शिकायत है तो अपील का प्रावधान है कि वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में इसकी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ये धारा 32 कहती है किसी भी बच्चे के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम कहां पर अपील कर सकते हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों धारा 33 की। धारा 33 की बात करें तो धारा 33 कहती है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सलाहकार जो परिषद है उसमें कितने मेंबर होंगे, 15 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं और आपका मानव संसाधन विकास मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के। और ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ही आरटी अधिनियम के तहत जो भी अधिनियम अधिसूचना जारी करनी है, निर्देश जारी करने हैं, वो इसी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के द्वारा तय किए जाते हैं। और आज आपने जो देखा कौन सा जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसके द्वारा भी सिफारिश प्रस्तुत की गई है। तो अभी जो आपके मानव संसाधन विकास मंत्री है वो रमेश पोखरीवाल है। इसके अलावा धारा 34 आपको कहती है कि राज्य सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाना चाहिए। इसमें भी वही 15 मेंबर होंगे और राज्यों के जो शिक्षा मंत्री होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, वो इसके क्या माने जाएंगे, अध्यक्ष माने जाएंगे। तो बच्चों अध्याय 6 संरक्षण की बात कहता है जिसमें 4 धाराएं हैं 31, 32, 33 और 34। 31 कहता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
धारा 32 कहती है कि बालकों की शिकायतों को दूर करने के लिए अपील की जा सकती है। धारा 33 कहती है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए और जिसका अध्यक्ष जो है मानव संसाधन विकास मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में कौन है, रमेश पोखरीवाल। नेक्स्ट आता है आपका धारा 34। धारा 34 बात करती है बच्चों राज्य सलाहकार परिषद की, और राज्य सलाहकार परिषद में भी 15 मेंबर होंगे और इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, वहां के उस राज्य के शिक्षा मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये देखा आपने बच्चों अध्याय 6 के बारे में, किसके बारे में देखा, अध्याय 6। अब बात करते हैं बच्चों अध्याय 7 की। अध्याय 7 में क्या है बच्चों, अध्याय 7 में चार धाराएं हैं, 35, 36, 37 और 38। 35 ये बात कहता है कि जो भी समुचित सरकार है, मैंने आपको अध्याय 1 में बताया था समुचित सरकार का अर्थ क्या होता है। समुचित सरकार का मतलब यहाँ पर राज्य सरकार और संघ सरकार से है। तो समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत या निर्देश जारी कर सकती है, ये हमारी आरटीई की धारा 35 में ये बात कही गई है। अब बात आती है बच्चों धारा 36 की। धारा 36 में बात कही गई है कि 13, 18 और 19 से संबंधित कोई भी वाद होता है तो उसको मंजूरी दी गई है, या राष्ट्रीय सरकार जो है, समुचित सरकार जो है, उसके लिए क्या कर सकती है, अधिसूचना जारी कर सकती है। अब आपको ये पता होना चाहिए धारा 13, 18 और 19 में क्या है। हमने पिछले वीडियो में देखा था बच्चों कि 13 में है कि प्रवेश के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया, प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, लॉटरी सिस्टम के द्वारा ही क्या किया जाएगा, स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। ये हमारा आरटी अधिनियम की धारा 13 कहती है। 18 क्या कहती है, 18 ये कहती है कि विद्यालय के मान और मानक का मतलब यह है कि बिना मान्यता के किसी भी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जा सकता, ये हमारी धारा 18 कहती है। और विद्यालय के मानकों को अगर कोई पूरा नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ये कहती है बच्चों धारा 19। तो 13 क्या कहती है, प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। 18 कहती है बिना मान्यता के विद्यालय स्थापित नहीं होगा। और 19 ये कहती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर विद्यालय के मानकों को पूरा नहीं किया गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो इनसे संबंधित जो भी बात है उसको मंजूरी दी गई है समुचित सरकार के द्वारा, ये बात कही है हमारी धारा 36 में। अब बात करते हैं बच्चों धारा 37 की। धारा 37 ये कहती है, SMC का नाम सुना है बच्चों आप लोगों ने, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, विद्यालय प्रबंध समिति। बताया था मैंने आपको विद्यालय प्रबंध समिति की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे सभी जितने भी विद्यालय उन सब में, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, उनमें विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, जिसके वर्तमान में सदस्य हैं बच्चों 16। SMC जो है उसका गठन जो है वो जो है उसमें 16 मेंबर में से जो 11 मेंबर होंगे वो अभिभावक होंगे, और SMC का जो अध्यापक है इन 11 में से ही एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और 16 में ये प्रावधान किया गया है कि 16 में से जो 50% होगी वो महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। तो विद्यालय प्रबंध समिति SMC जिसका उल्लेख धारा 21 में है, मैंने बताया अभी था धारा 21 में किसका उल्लेख है, SMC का, विद्यालय प्रबंध समिति जो विद्यालय से संबंधित क्या करती है, विद्यालय प्रबंध समिति जिसमें अभिभावक होते हैं, समय समय पर SMC की मीटिंग बुलाई जाती है और विद्यालय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सब का सॉल्यूशन उसमें निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो विद्यालय प्रबंध समिति है उसका उल्लेख धारा 21 में है, लेकिन अगर SMC सुचारू रूप से सही तरीके से काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख कौन सी धारा में है बच्चों, धारा 37 में इसका उल्लेख है। अब बात करते हैं 38। धारा 38 क्या कहती है कि जो आपने भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो भी आरटी अधिनियम बनाया है उसके लिए राज्य सरकारें अधिसूचना जारी कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग नियमावली जारी कर सकती है, और हमारे
राजस्थान में भी अशोक गहलोत के द्वारा अधिसूचना जारी की गई आरटीए अधिनियम के तहत और 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में भी आरटीए अधिनियम को लागू कर दिया गया। वैसे आरटीए अधिनियम 2010 से लागू हो गया, लेकिन राजस्थान में जो नियमावली बनी उस नियमावली के अकॉर्डिंग अधिनियम जारी हुआ बच्चों 1 अप्रैल 2011, और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। तो ये आपने अध्याय 7 में 4 धाराओं के बारे में पढ़ा, धारा 36, 35, 36, 37 और 38। और आपको याद कैसे करना है, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है बच्चों, इसमें मैंने आपको 7 अध्याय और 38 धाराओं के बारे में शॉर्ट नोट्स बोर्ड पर लिखे हैं। आपको इनको कॉपी में नोट डाउन करना है, इनको लिखना है और इनको एक शॉर्ट तरीके से याद करना है। डिटेल भी याद करेंगे कि समुचित सरकार के क्या कर्तव्य है, माता पिता के क्या कर्तव्य है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसकी डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको 7 अध्याय और 38 धाराओं में है क्या, इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में लिखें, कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि ये आपके रीट, आरटेट या रीट या आरटेट मान लो, या आपके सीटेट, सभी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को याद करने के लिए इसको कॉपी में नोट डाउन करें। आपने 7 अध्यायों के बारे में पढ़ा बच्चों। 7 अध्याय में, पहले अध्याय में परिभाषा, दूसरे में निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार, तीसरे में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, चौथे में शिक्षकों और विद्यालय के दायित्वों के बारे में बताया गया है, और पांचवें में आपके पाठ्यक्रम से संबंधित बात है, अध्याय 6 में संरक्षण की बात करता है और अध्याय 7 में प्रकरण है। इस प्रकार 7 अध्याय है। और हमारे राजस्थान की बात करें बच्चों, तो राजस्थान की नियमावली में 10 अध्याय है और 29 धाराएं हैं। राजस्थान अधिसूचना जो नियमावली जारी हुई उसमें राजस्थान में 10 अध्याय है और 29 धाराएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाऊं तो अब नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, कमेंट्स दें। और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे द्वारा जो नोट्स लिखे हैं बोर्ड पर उनको लिखें, पढ़ें, समझें। धन्यवाद।